পাবদা মাছ আছে, ট্যাংরা আছে, পার্শে আছে, পমফ্লেট আছে, ভেটকি আছে, চিংড়ি আছে, চিতল আছে, কই আছে, মোরলা আছে, রুই আছে, তারাপোনা আছে, সব রকম আছে। बहुत ही बढ़िया। क्या बात है? That looks good. That is like that looks like a very authentic, rich kosha mangsho. That's how it's supposed to look. आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे सुरुचि सेल्फ हेल्प वुमेन्स ग्रुप से। सो ये एक रेस्टोरेंट है जो विच इज़ कम्प्लीटली रन बाई वेमेन, और टुडे हियर वी ट्राई एग करी एंड राइस, टिपिकल बंगाली लंच। चले अंडा को पहले फ्राई करके डालते हैं। हाँ, भाज लेता आगे शिव पानी में सिद्ध करता है, करके भाज के ऐसा देना पड़ता है। तो आलू आलू को भी भाजते हैं? हाँ, आलू भी भाजता है। भाजने मतलब फ्राई करना। तो आलू अंडा को भाज के और पहले अलग से करी बना लेते हैं, प्याज लहसुन अदरक। हाँ, दे के ऐसा करना। और मसाला में क्या क्या डालते हैं? मसाला में अपना जीरा बाटा, प्याज देने से होता है, नहीं देने से नहीं होता है। आपका नाम क्या हुआ? हमका नाम पारू बॉर्डर से। यहाँ पे कितना लोग रहता है? ओने हम बोलने नहीं सके दीदी। अरे बांग्ला से बोलो ना, ट्रांसलेट। हमी मैं और तो मैं बोलते पार को ना। अच्छा, अनेक में यहाँ से चिल्ले ना चे तो अनेक जो ना मैं एज इन लाइक बहुत जन है यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट मतलब कैटेगरीज के लोग एक साथ है ना, मतलब ओल्ड एज होम भी हम लोग। हाँ, ये लोग डिफरेंट है, वो लोग डिफरेंट। तो यहाँ पे ओल्ड एज होम भी है और बच्चे भी हैं। बच्चे भी है चिल्ड्रन में, तो वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज के लोग। ये लोग कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? वो क्यों बाबा माँ ने ऑना तादर आसे, क्यों बाबा माँ थाके चलाते पारे ना, तारा एकाने जाए बाबा माँ के। हाँ, तो किसी के पास अगर उनके पापा मम्मी नहीं है, तो वो अगर अनाथ है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर पापा मम्मी है लेकिन फिर भी वो कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करे तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। It was started in the year 1952 with the refugee girls, you know, from Bangladesh. And so they were very good at making sweets. So initially this was a sweet shop. Then in the course of time, it has become a restaurant. And now these girls are all inmates, stay here only. They are all orphan girls. So they do the cooking. And we have other girls who can knit well, who can sew well. You know, like, so there, we have different departments. We have a tailoring department, we have a weaving department, block printing, so all the girls are working there also. But these girls can cook well, so they are working in Shuruchi. Shuruchi was initially attached to this NGO, All Bengal Women's Union, but a couple of years back it was turned into self-help group, so the girls are running it by themselves. So that is how it's running. And what kind of food is served here? Typically Bengali food. Only thing, exception is we make Mughlai paratha, which is not a Bengali cuisine, but still we make it. Do you still serve the sweets, the Bangladeshi? Yeah, sweets? No, we do sell sweets, but not that time. Maybe it's different now. Yeah, but we make it here only. Yeah, everything is Yeah, everything. दिमेर झोल राइस, दिमेर बोले तो एग, और आलू तो हर चीज़ में यहाँ कॉमन है, यू गेट आलू विथ एवरीथिंग।
वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, मैं बिल्कुल एकदम थिन पतली सी ग्रेवी है और अंडा अंडे को फ्राई करके डाला गया है इसमें। जबकि उन्होंने बताया इसमें प्याज नहीं है, सिर्फ जीरा, नमक और हल्दी, अदरक लहसुन। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी है कि अपना ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के जो जितनी भी सेल होती है रेस्टोरेंट की और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको देते हैं। और इतना पुराना रेस्टोरेंट है 1952 से, बहुत ही बढ़िया। तो ये जगह है जहाँ पे आपको अगर होम कुक घर जैसा खाना खाना हो तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तो बिना मिस्टी के खाना पूरा होता ही नहीं है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो उसके साथ मिस्टी होगी, कुछ भी हो लंच हो उसके साथ मिस्टी होगी, या इवनिंग स्नैक्स हो उसके साथ ही मिस्टी होगी। और मिस्टी तो स्नैक्स की तरह खाते हैं यहाँ पे मतलब। और तो हमने क्या क्या मंगवाया है यहाँ पे? ये है पार्टी शॉप स्टफ्ड विद कोकोनट यूजली, तो ये मैदे से भी बन सकता है, सूजी से भी बन सकता है, चावल से भी बन सकता है, सो इट डिपेंड्स। और स्टफिंग्स तो यूजली कोकोनट और थोड़ी सी इलायची उसमें, चीनी उसमें, लेकिन सम पीपल ऑल्सो ट्राई टू यू नो पुट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स एज़ वेल इफ यू रन आउट ऑफ कोकोनट। और ये तो क्लासिक पायश बंगाली खीर, इसमें किशमिश, काजू, बिल्कुल। काफ़ी देर तक, हालांकि मुझे थोड़ा मीठा लगा, लेकिन दूध, चावल, किशमिश, काजू और खूब सारा शक्कर मिला के इसको बनाया गया है। और यहाँ पायश बोलते हैं या खीर भी बोल सकते हैं इसको। ये है पाती शाप्ता, जिसमें जो ये आउटर कवरिंग है ये बनाई गई राइस फ्लावर से, और अंदर स्टफिंग है कोकोनट की और इलायची की, कोकोनट इलायची शुगर मिला के। इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें, और बेस्ट ये ज़्यादा मीठा नहीं है कंपेयर टू पायस। गोकुल पीठ है, सो इट्स गॉट लाइक अ नारियल, लाइक अ कोकोनट स्टफिंग, लाइक अ टाइनी बॉल मेड ऑफ कोकोनट। ये ठंडा है, इनफैक्ट तीनों में सबसे ज़्यादा मीठा मेरे को पायश और ये लगा, ये ज़्यादा मीठा नहीं था। बस इतना ही लंच था? नो ऑब्वियसली नॉट, वी हैव मोर टू ईट। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू पायस होटल टू हैव लाइक अ वेरी लार्ज प्रॉपर ऑथेंटिक बंगाली लंच। मिस्ट्री होगा उसके बाद? हाँ ऑब्वियसली। चलिए चलते हैं। আছে, ট্যাংরা আছে, পার্শে আছে, পমফ্লেট আছে, ভেটকি আছে, চিংড়ি আছে, চিতল আছে, কই আছে, মোরলা আছে, রুই আছে, তারাপোনা আছে, সব রকম আছে। সব লেও পুরো টেবল। ইঁচড়ের তরকারি আছে, ইঁচে চচ্চড়ি আছে, কুই মাটির চচ্চড়ি আছে। আচ্ছা, তো আমরা আজকে বেসিক্যালি কিছু কিছু ঘটির খাবার অর্ডার করবো, কিছু কিছু বাঙাল খাবার অর্ডার করবো, ঠিক আছে? বুঝেছেন তো? তো ঘটির মধ্যে থেকে চিংড়ির মালাইকারি অর্ডার করছি। এবার বাঙালি ভালো মাছের ডিশ, চিতল, চিংড়ির মালাইকারি, ডাল, আলু ভাজা, মাছের মাথা ডাল দেবো না, মুসুর ডাল দেবো, ফিশ হেড দেবো যে ডাল হয় বউ হ্যাঁ হ্যাঁ মাছের মাথা ডাল। इतना लंबा डिस्कशन हो रहा है कि हम क्या क्या डिश ट्राई करने वाले हैं।
এবারে চাটনি দিয়ে দেবো, টমেটোর চাটনি। চিংড়ি মালাইকারি, এ ইঁচুড়ের ডাল না, মছলি কা মাথা দেখে দাল, এ চচ্চড়ি কেরালা কা চচ্চড়ি, চাওয়াল, এ মূলা মসুর কা দাল, টমেটোর চাটনি, মৌরলা মাছ, পুঁই মাছের চচ্চড়ি, এটা তো ওই দাল হয় মছলি মাথা দাল, আলু ভাজা, পাবদা মাছ। पहले कि हम शुरुआत करें, अगर कितने डिशेज हमने मंगवा चुके हैं काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह डिशेज हमारे टेबल पे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इतना कलरफुल है, सारे कलर्स हैं, आप देखें येलो भी है, कुछ ग्रीन्स भी है, रेड कलर भी है, सारे कलर्स भी हैं, और सबसे अच्छी बात ये केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है। जैसे पहले शुरुआत करें, हमें थोड़ा सा पहले आप बताएँ कि स्पाइस होटल होता क्या है। Spice comes from, it's like the, so the British back in the days, they could not say the word spice, like paisa. Achha. So they used to call it spice. So wahan se aata hai. So the system in a spice hotel is that you pay for every dish that you order. It's not a, you know, standard full on price. Mm-hmm. You order for every single, you pay the price for every single dish that you order. There is no set menu as say. Every day, whatever fish that they catch, whatever fish is fresh, mm-hmm. that's what they serve. Mm-hmm. So the food is really fresh and also it's home cooked. This is like, I can tell you that this is the style of food I eat at home as well. Yeah. So this is as authentic as it gets. Muli aur masoor ki dal. एक कोर्स बाई कोर्स पी लें, पहले दादी साहब ट्राई कर रहे हैं, फिर हम आगे। जो है वो दे आर नेटिव टू वेस्ट बंगाल और बांगाल्स जो है दे आर नेटिव टू ईस्ट बंगाल। तो पार्टीशन के बाद तो अभी हम लोग भोटी बांगाल का एक डिवाइड हो चुका है, लेकिन था तो एक ही रीजन है। Now the difference in terms of food is that Ootis jo hum log we prefer our food to be a little milder and a little more sweet. So it's not very uncommon to see a ghoti cook putting a little bit of sugar in our dishes. Yeah, हाँ मेरी मम्मी भी दाल में चीनी मिलाती है थोड़ा, हाँ। और जो बांगाल्स होते हैं, like for instance my dad's side of the family they are Bangals, so they love their food spicy and it's quite rich because they use a lot of pepper which we call morich paste, like pepper paste. So they use freshly grounded spices and it makes the food really hot. So that is like some of the basic differences, or even in terms of the fish that we consume more. तो बोटी जो होते हैं हम लोग ज़्यादा प्रॉन्स खाते हैं, फॉर इंस्टेंस चिंगड़ी माछ है मालाई करी, व्हाट वी हैव ऑर्डर टुडे इट्स ए टिपिकल बोटी डिश, वेस्ट बंगाल डिश, हाँ एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल डिश। और जो बांगलाज होते हैं दे प्रेफर पापड़ा, दे प्रेफर मोरोला, सो दीज आर क्लासिक डिशेज फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड द प्रेपरेशन टेंड टू बी मोर स्पाइसियर, मोर लाइक विद मोर मसाला, सो दैट इज। तो यहाँ पे जो खाना है दोनों मिक्स है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों जगह का। तो आपने बताया कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उन्हें घोटी कहा जाता है, और जो बांग्लादेश ईस्ट बंगाल के लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं बांगाल। ये कौन सी मछली इस्तेमाल की उन्होंने? कतला। थोड़ा मीठा है। हाँ। यहाँ पे लोग कैसी मछली पसंद करते हैं? ज़्यादातर लोग एवरीडे लाइफ में रोहू कतला ये दोनों, मतलब बिकॉज दे आर चीप, यू कैन मेक इट इन वेरी डिफरेंट स्टाइल्स, बिकॉज देर इज़ अ सेम दैट बंगाली पीपल डोंट लाइक ईटिंग द सेम थिंग एवरी डे, तो इसीलिए हर दिन मछली भी हो चिकन भी हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएशन होते हैं मछली के।
तो डिपेंड्स ऑन दैट. चिंगड़ी भी बहुत पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस. हम कोई किसी मतलब फॉर इंस्टेंस माई फैमिली इज हाफ बांग्लादेश तो इसीलिए मेरे पापा ही प्रिफर्स पापदा एंड मोरोला माच क्लासिक बंगाल. माई मदर प्रिफर्स चिंगड़ी माच. सो वी हैव अ मिक्स ऑफ यू नो. आपको दोनों टेस्ट फ्लेवर्स मिलते हैं. एग्जैक्टली दोनों. मेरी पर्सनल फेवरेट मछली जो है वो रोहू है. इस रेस्टोरेंट का नाम स्वाधीन भारत हिंदू होटल क्यों है? ये रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश हुई थी 1927 अराउंड दैट टाइम. और तब यहाँ पर बहुत सारे मतलब नेशनलिस्ट लीडर्स आते थे. सो नेताजी भी आए यहाँ और अरविंद घोष. एंड आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 इनका मतलब शोनर की होटल थी जो उड़ीसा से आए थे ही चेंज्ड इट टू स्वाधीन भारत हिंदू होटल टू सिग्निफाई दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडिपेंडेंस. तो इसीलिए मतलब नाम चेंज. पहले था हिंदू होटल. बनाई गई है सबका बेस सरसों का तेल है. हाँ. ये अच्छा देखिए मैं देख रहा हूँ हल्का मीठा है. अब सही कहते हैं डिशेज में थोड़ी सी मिठास, मिठास है. A very popular snack is this, just simply fried in salt and pepper and a bit of batter. Mmm. Acha na? Tasty. It's jackfruit. Acha, kathel. Haan. Haath mein aloo. ये थोड़ा स्पाइसी है. तो यहाँ लोकल अगर खाने की बात की जाए आलू का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है. बंगाली फूड में देखा है मैंने काफ़ी चीज़ें जो पकाई जाती है उसमें आलू ज़रूर होता है. जो मछली पकाई गई है ये आलू के साथ है. ये प्रॉन भी आलू के साथ है. तो काफ़ी चीज़ें आलू काफ़ी डोमिनेट करता है यहाँ के खाने में. सबको ही सोचते हैं ईस्ट आउटसाइड बंगाल दैट एज यू सेड बंगालीज आर ऑब्सेस्ड विद आलू. बट आलू इज नॉट इवन इंडिजिनस टू बंगाल एंड इवन द रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर दैट मैटर. तो आलू केम टू बंगाल विद द पोर्चुगीज इन द 1700s. और पहले ये पॉपुलर नहीं थी क्योंकि अगर आप 13th-14th century बंगाली टेक्स्ट को देखिए तो वहाँ पे वो लोग जो खाना डिस्क्राइब करते थे दे विल नेवर मेंशन आलू बिकॉज इट डिड नॉट एग्जिस्ट. तो उसके बाद वंस द पोर्चुगीज केम दे ब्रॉट देयर यू नो आलू एंड दैट स्लोली स्टार्टेड गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर क्यूज़ीन. और आज के डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते बंगाली खाना बिना आलू. विदाउट आलू. एग्जैक्टली. तो ये मिक्स वेजिटेबल है जिसमें बड़ी है आलू है बैगन है करेला है और साथ में ड्रमस्टिक भी है. इसमें तो काटा होगा. एक्टा काटा ये मछली भी खाना एक कला है. मैं देखा है कैसे लोग खाते हैं मछली कांटों के साथ खाएंगे और कांटा एक साइड इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद निकाल देते हैं. और मैं जब खाता हूँ तो मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करता हूँ. एक से कांटा निकालता हूँ फिर खाता हूँ. This is actually very typical Bangal preparation because do you see there were tiny pieces of brinjal in it? Mm-hmm. So brinjal, this whole mirchi, it's a very typical big like Bangal dish to put like begun and longka. Mm-hmm. That's what we see. They kya bolte hain isko? Golda chingri. मतलब बिग प्रॉन अर्थात बिग प्रॉन.
इसका बहुत ही बटरी टेक्सचर है। Again, you find it again on the sweeter side, and this dish is supposed to be on the sweeter side. You taste it. It's really sweet, right? See, curry to try karte hain. Because they use coconut in this. Achha? Yeah, they use coconut in this. It's made with coconut, garlic, ginger paste. And then they keep on stirring it, and that's how they get this color. So because of the coconut, there is really, it's sweet. There's a sweetness to it, and also because of onion paste. So finally, we'll end our meal and karenge chutney se. बहुत ही उम्दा। Thank you. मुझे तो अब नींद आ रही है। हाँ, वो बंगालीज में हम लोग घूम बात बोलते हैं। उसका मतलब? उसका मतलब भात खा के हमको नींद आ जाती है, तो हम लोग थोड़ा सा नैप ले लेते हैं बिटवीन। चलो मैं चला नैप लेने। It's tea time. पहुंच गए? हाँ। तो आप जब विंटर्स में कैलकटा आए हैं, तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली ट्राई करनी पड़ेगी, वो है नोलेन गोल्ड, विच इज ओनली हियर फॉर 2 months, दैट्स इट। दूसरे मतलब मंथ्स में नहीं मिलेगा, एंड दैट इज यूज फॉर एवरी थिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम पायश टू मिष्टी टू संदेश टू एवरी थिंग। जोल भरा संदेश उसी से बनता है। हाँ, एग्जैक्टली। It's pure. I know, right? बहुत ही बढ़िया। ये गुड़ कितने महीने मिलता है? नोलेन गुड़ सिर्फ 2 महीने मिलता है। सिर्फ 2 महीने मिलता है? 1 महीना पार हो गया और 1 महीना। बस दिसंबर जनवरी 2 महीना। तो कौन से तरह का गुड़ आपके पास है? ये जो आप लिया ना, वो एक बेस्ट क्वालिटी है। वो क्या बोलते हैं उसको? उसको नोलेन गुड़ ही बोलता है, खजूर गुड़। जो आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग माल है। ये जैसा हम आपको बोला एकदम घटिया है, ठीक है, उससे अच्छा ये है, सबसे अच्छा आप दिया। वो कहाँ का है? वो बसीहाट का। बसीहाट? खूब बालो। नहीं नहीं, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्वीट शॉप्स इन द सिटी। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे लेडी केनी, विच हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बिहाइंड इट, एंड मिष्टी दोई सीताभोग। सो कपल ऑफ स्वीट्स। ये घड़ी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे उसके नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, वो बंगाली में। तो इस घड़ी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले इस दुकान में जब ये शुरुआत हुई थी 1826 साल में, तभी घड़ी नहीं थी। तो वो जो आप देख रहे हैं ना, कुकिन केल्विक जो लिखा हुआ है, वो कांटे के ऊपर जस्ट। हाँ, तो उनका जो ओनर था, ही केम टू द शॉप टू हैव मिष्टी, एंड ही लव्ड इट सो मच दैट ही वॉज टॉकिंग टू द ओनर, और उन्होंने देखा कि हमारी दुकान में कोई घड़ी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आपकी दुकान में घड़ी क्यों नहीं है? सो द ओनर सेड के यू नो वी कांट अफोर्ड इट, सो देन ही इज लाइक यू नो यू हैव टू इमीडिएटली गेट अ घोड़ी फ्रॉम अस, वी विल गिव यू अ क्लॉक। घोड़ी? घोड़ी, या। तो ओनर ने बोला कि लेकिन आपकी तो कंपनी ब्रिटिश है, और हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं वो तो सारे बंगाली हैं, उनको इंग्लिश में समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने, कंपनी के ओनर ने उसको, उनको मिष्टी इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए कस्टमाइज कर देंगे घड़ी को, और सारे जो मतलब लेटर्स होंगे वो बंगाली में होंगे, तो ताकि आपके जो यहाँ पे जो काम कर सके वो। और ये मतलब पूरा सेट डायल लंदन से है, लेकिन वो जो घड़ी का, घड़ी के जो कांटे हैं वो स्विस
स्विट्जरलैंड से है और ये शायद द ग्लास इनसाइड इज फ्रॉम जर्मनी. तो लंदन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड से पूरी असेंबल की हुई घड़ी है. मतलब कितना मतलब सोचो आप कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक मिठाई उनको इतनी पसंद आई फिर उन्होंने वो घड़ी तक गिफ्ट कर दी और कस्टमाइज घड़ी बना कर दी. लेडी केनी सो द स्वीट इज कॉल्ड लेडी केनी एंड अपेरेंटली इट वॉज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ वन ऑफ द गवर्नर जनरल्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. उनकी वाइफ लेडी कैनिंग शार्लेट कैनिंग. सो द स्टोरी दैट आई हैव हर्ड इज दैट शी वॉज रियली लव्ड बाई मेम्बर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड आफ्टर शी पास्ड अवे द स्वीट मेकर्स वर्ड टू सेलिब्रेट her life essentially and because they loved her so much they decided to name her name the sweet Lady Canning. So Lady Canning se Lady Canning Canning ban gaya. Ye milta jutta gulab jamun se hai lekin wo keh rahe hain ki bangali log gulab jamun nahi khate wo Lady Canning khate hain. Ha because gulab jamun se thoda sa difference jo mujhe lagta hai is that it's not completely drenched in sugar syrup. You know that's the obvious difference. And secondly thanda hai ye garam nahi hai. Exactly. वेरी सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट और काफ़ी ग्रेनी टेक्सचर है इसका. तो जिसका नाम सीता हो गए काफ़ी थिक है ओवरली स्वीट नहीं है. या एग्जैक्टली या वेरी वेल बैलेंस्ड. मिष्टी तो इज आई थिंक आफ्टर रसगोल्ला एंड फॉर सम पीपल इवन बिफोर रसगोल्ला दिस इज व्हाट मेक्स बंगाली स्वीट्स. यू नो व्हाट आई मीन लाइक नो मील इज कंप्लीट इफ यू डोंट हैव मिष्टी दोई फॉर अस. खासकर ये मिट्टी के बर्तन में सर्व करने से और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और बहुत ही लाइट है ज़्यादा मीठी नहीं है काफ़ी क्रीमी है और बहुत ही रिफ्रेशिंग. थैंक यू धन्यवाद. एक कैरी डालने से अच्छा लगा खट्टा बनाया. नींबू चाय और घोटी गरम कहते मसालेदार चाय है. दिस हैज बीन देयर सिंस ऑलमोस्ट द ब्रिटिश टाइम्स. इट वाज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश पर्सन कॉल्ड जेम्स प्रिंसेप. And this is one of the most iconic spots in Calcutta. I mean, I think this picture of, you know, this structure and the bridge, it's been there like splashed across every magazine. So, ये बहुत ही famous और popular जगह है क्योंकि यहाँ पे boat rides भी होती है. So, you can take like the typical traditional Bengali boats and you can take a 30-minute or 1-ghanta ka tour pura. You can get an amazing view of the bridge and you can obviously have koti gorum cha. And इसीलिए मतलब सारे यहाँ पे आते हैं पिकनिक करने भी आते हैं यहाँ पे. अभी हम लोग आ गए हैं श्याम बाजार में. यहाँ पे बहुत फेमस ऑलमोस्ट 125 ईयर ओल्ड शॉप दैट सेल्स कोशा मांसू एंड परोठा. लाइक दे सेल अदर आइटम्स बट दैट इज द मोस्ट फेमस. दिस इज द मोस्ट फेमस कोशा मांसू शॉप इन द एंटायर सिटी. हमारे लिए एक लगा दीजिए मटन कोसा और दो पराठा. दो पराठा. ये आपका काउंटर बड़ा अच्छा लगा. आप लोग हिल नहीं सकते हैं यहाँ से. जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं यहाँ पर है. कितने घंटे बैठते हैं ऐसे? तीन घंटा. तो शिफ्ट बदल जाएगा. तो पप्पा पुराने स्टाइल का बना हुआ है.
मार्बल टेबल, मार्बल टॉप, ये तो बिल्कुल यहाँ की पहचान है। जहाँ भी हम लोग गए हैं कोलकाता में क्या बात है, दैट लुक्स गुड, दैट इज लाइक, दैट लुक्स लाइक अ वेरी ऑथेंटिक रिच कोटा मांस, दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू लुक, दैट रिच ब्राउन कलर एंड द ऑयल स्पिलिंग ओवर। तो ये अच्छे कोशा मांसों की पहचान है, 100% अच्छे से, मतलब भुना हुआ मसाला अगर अच्छे से भुना हुआ है जी, दैट्स व्हेन यू गेट दिस रिच कलर। ये बहुत ही आइकॉनिक बंगाली डेलिकेसी है कोशा मांसों। इसमें मांसो है वो मीट और कोशा मतलब भुना हुआ। Yeah, constantly, like, it's a dish that is kind of slow cooked. Mm-hmm. So it takes around, I would say, easily 2 to 3 to even sometimes 4 hours or more, depending on how slow. So the mutton is slowly cooked in the spices. And you know, so that, like, it's soft, mm-hmm. but you also get that spicy, you know, gravy. Bilkul dark brown color ka hai. और ऑयल फ्लोट कर रहा है यहाँ पे, तो ये पहचाने कि अच्छे से मसाला भुना गया है, तभी तेल इसका अलग हो चुका है। और ये बनाते हैं सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, यहाँ पर। और साथ में पराठा है, चटनी है, और जो प्याज बहुत महंगे हो चुके हैं वो है। बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस हैं मीट के और बहुत ही रिच ग्रेवी है। अब देखें इस तेल में झांस भी है। पहला बाइट लेते हैं, देखो झांस लगता है, थोड़ा हिट करता है। तो ये डिशेस घरों पे काफ़ी रेगुलरली बनती रहती है। मटन कोसा हो गया, चिकन का ही बनाते हैं इसको ऐसे ही मैसे ग्रेवी में, चिकन कोसा। तो ये था कोलकाता में गोलबाड़ी का ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल कोशा मांसो, परोठा और चाटनी। चलिए धन्यवाद सीमांता भाई, धन्यवाद उस्मान भाई। चलिए सकाल থেকে शाम तक खूब भालो दिन छिलो। आज सुबह से लेकर शाम तक हमने ऑथेंटिक बंगाली डिशेस ट्राई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पमिला। धन्यवाद अनुभव, আমার খুব খুশি হলো যে আপনি এত আনন্দ করে আমার সাথে আজকে কলকাতার এত খাবার খেলেন। আই রিয়েলি होप टू सी यू सून। ধন্যবাদ।